चुनाव की दहलीज पर खड़े यूपी में नेताओं की आमद बढ़ गई है। धर्म के मोर्चे पर भी सियासत गर्मा रही है। राम मंदिर को लेकर भी सियासी बयानों का दौर जारी है और इन सब के बीच आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अयोध्या आ रहे हैं। उनके दौरे की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज दोपहर बाद केजरीवाल अयोध्या पहुंचेंगे और शाम को सरयू आरती में शामिल होंगे। मंगलवार को केजरीवाल रामलला के दर्शन करेंगे। केजरीवाल हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाएंगे। बीजेपी की तरफ से केजरीवाल के दौरे को लेकर कोई एतराज नहीं किया गया, लेकिन आपके नेता संजय सिंह ने यह कहकर चौंका दिया कि बीजेपी वाले केजरीवाल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। संजय सिंह ने सवाल किया कि केजरीवाल के अयोध्या दौरे से डर क्यों? हमेशा अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट करना, आम आदमी पार्टी को टारगेट करना, उनकी यात्राओं को बाधित करना, उनके हर काम में बाधा उत्पन्न करना, ये जो एक दानवी प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा हो गई है, इस पर रोक लगाइए और प्रभु श्री राम का दर्शन करने का अधिकार सबको है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अगर रामलला का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो उसमें किस बात का दर्द, किस बात की तकलीफ, किस बात की परेशानी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को हो रही है। उधर अयोध्या में कुछ संतों ने भी केजरीवाल के दौरे को लेकर एतराज किया है। इन संतों का कहना है कि केजरीवाल ने पहले राम के अस्तित्व को नकारा था, लेकिन अब सियासी फायदे के लिए अयोध्या आ रहे हैं। केजरी चाचा अयोध्या आ रहे हैं, यही केजरी चाचा हैं जिन्होंने सदैव राम को अस्तित्व को नकारा।